आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की शहादत दिवस सभी पार्टियां बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। 2022 के चुनाव में जातिकरण की राजनीति का असर किस पार्टी पड़ेगा और किसके स्तर पर है, सेहरा बंधेगा, यह तो समय ही तय होगा। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां फूलन देवी की शहादत दिवस को मनाते हुए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है। गोरखपुर जिले में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय फूलन देवी की शहादत दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। वहीं समाजवादी पार्टी छात्र सभा की अध्यक्ष अनु पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अत्याचार करने में जुटी हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, वह भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। महिला के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में स्लोगन पर भारतीय जनता पार्टी दाग लगाती नजर आ रही है। वहीं पूर्व सांसद फूलन देवी की हत्या करने वालों को शरण देकर भारतीय जनता पार्टी आज फूलन देवी की शहादत दिवस मना रही है। शहादत दिवस समाजवादी पार्टी मना रही, शहादत दिवस को लेकर सत्ताधारी दल अन्य पार्टियां क्रेडिट लेने के चक्कर में लगी, क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं वीरांगना फूलन देवी जी के पुण्यतिथि पर उनको सत्सद नमन करती हूँ और मैं सवाल भी करना चाहती हूँ सत्ता पक्ष से और अन्य पार्टियों से भी कि जब वीरांगना फूलन देवी जी पे अत्याचार हो रहा था, जब उनको अपने ऊपर हुए अत्याचार पर जब उन्होंने उन लोगों से बदला लिया, जब उस सजा में वो जेल में थी, तब कहाँ थे ये लोग? तब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको आशीर्वाद दिया और समाजवादी पार्टी से वो सांसद चुनी गई। तो आज मैं सवाल करना चाहती हूँ कि वो सत्ता वाले भाजपा और जो अन्य पार्टी हैं वो कहाँ हैं जब ये सारी चीज़ें घटनाएं होती है? और रही बात महिला के सम्मान में, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा के सत्ता में इस समय वर्तमान में महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले कई सालों से जब से सत्ता में आई है लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। और पिछले चुनाव में जो ये पंचायत का चुनाव हुआ है, इसमें भी लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से सिर्फ नामांकन के दौरान महिला को निर्वस्त्र किया गया, उसको ये रोकने के लिए कि वो नामांकन ना कर पाए भाजपा और भाजपा के गुंडों द्वारा, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज जो भी भाजपा लोग, अन्य पार्टी के लोग जो फूलन देवी जी का पुण्यतिथि मनाने का एक ढोंग रच रहे हैं, तब ये लोग कहाँ थे जब एक महिला को भरे सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था? और उससे भी बड़ी बात, जब खुद फूलन देवी जी के ऊपर जब वो संसद से निकल रही थी, जब जिसने उन पर हमला किया, आज भाजपा द्वारा जिस तरीके से उसको शरण मिल रही है, ये सवाल उठता है कि आप महिला के सम्मान का सिर्फ ढोंग रचते हैं कि वाकई में आप महिला का सम्मान करते हैं? क्या 2022 का मुद्दा बनेगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा हम उठाएंगे भी कि जिस तरीके से भाजपा लगातार अपने स्लोगन में भी बोलती आई है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, तो जिस पूरी तरीके से ये स्लोगन फेल भी है और ये पूरे जग जाहिर भी है, ये किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा ढोंग ट्रस्टी है सिर्फ महिलाओं का सम्मान करने की, जबकि समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया है जब उन्होंने वीरांगना फूलन देवी जी को टिकट दिया था और जब खुद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक दलित की बेटी को छात्र संघ